11th सूत्र बाल्यकाल से ही ध्यान के प्रयोग प्रारंभ करें। स्कूलों में ध्यान शिक्षा का प्रसार करें। जिसको तलाश है एक भरोसे की, एक आस्था की, एक करणधार की, कि वह ऊर्जा किस प्रकार से उनके लिए तारणहार बनेगी, वह ऊर्जा किस प्रकार से उनके लिए वह कार्य करेगी जिसको वो संपूर्ण अपनी आयु में ना कर पाए। इसलिए हमारे को आवश्यकता है ध्यान के इस बीज को उम्र की उस पड़ाव के अंदर बोने की, जिस पड़ाव के अंदर अभी चेतना विस्तृत हो रही है, विस्तृत हो नहीं चुकी है। आत्मा अपने लक्ष्यों को जानने के बाद अभी उसके कुछ स्मरण उसके साथ हैं, जहां आत्मा भूली नहीं है, जहां उसके ऊपर प्रदूषण, जहां उसके ऊपर इस संसार की ग्रेविटी इतनी हावी नहीं हो गई है कि वह अपनी उन्मुक्तता को भूल जाए, जहां पर वह अभी परमात्मा के बहुत करीब है। यह सत्य है कि हम संतान को जन्म तो दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते, भाग्य नहीं दे सकते, परंतु संतान को यदि हम ध्यान दे सकें, ध्यान सिखा सकें, तो उस ध्यान के माध्यम से वह अपने कर्मों का निर्माण करेगा, कर्मों से भाग्य का निर्माण करेगा और इस जीवन को भोगते हुए अपने आत्मा के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट्स में इस सूत्र को बहुत भली भांति से पालन किया जा रहा है और भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न स्कूलों में ज्ञान का प्रचार प्रसार विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों के अंदर हो रहा है। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी इस बात को कहते हैं उन्हीं के शब्दों में कि यदि हमने आयु अपनी गुजार दी तो फिर हमारे पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बाल्यकाल से ही ध्यान के प्रयोग प्रारंभ किए जाएं। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उन्हें ध्यान करवाएं, उनके ध्यान अनुभव को सुनें, उनके ध्यान अनुभव के अर्थ उनको बताएं,
और उन्हें एक प्रबुद्ध आत्मा बनने के सुअवसर प्रदान करें। यह सच है कि आप केवल अपनी संतान को जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते, भाग्य नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी संतान को ध्यान दे सकते हैं, जिस ध्यान द्वारा वे अपने कर्म को निर्मित करेंगे और जिस कर्म के द्वारा वे अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और जहां वे अपने सहयोग से अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए आइए इस संकल्प को साथ मिलकर उठाएं कि हम बाल्यकाल में ही ध्यान के इन प्रयोगों को करेंगे, करवाएंगे और प्रोत्साहन देंगे।